हेलो दोस्त, मैं दीपक कुमार आप लोगों के बीच फिर से स्टडी पॉइंट के चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें आज मैं अपने सीरीज को बढ़ के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक और नया फार्मूला लेकर आया हूँ, जिसमें आप वैसे डिजिट का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं जिसके अंत में 5 दिए हों। तो आइए दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। तो आप लोगों से फिर आई रिक्वेस्टेड कि आप लोग अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें तथा अपने दोस्तों से भी इससे जुड़ने के लिए बोलें। आइए दोस्तों, आज का टॉपिक फिर देखते हैं हम लोग। कहता है कि वैसे डिजिट का आज वैसे अंक का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे जिसके अंत में 5 दिया हो। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि हमको 25 का वर्ग करना है, ठीक, 25 का हमको क्या करना है, बढ़ करना है। तो हम क्या करेंगे इस पे? सबसे पहले हम करेंगे क्या कि लास्ट वाले का वर्ग निकाल देंगे 25। अब यहाँ पे जो अंक दिया है उससे एक आगे बढ़ाकर हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे 2 दिया है तो 2 के आगे एक बढ़ा देंगे, 3, 3 दूनी 6, इसके पहले लिख देंगे। ऐसे ही दोस्तों 15 का करके देखते हैं, तो 5 के स्क्वायर 25, 1 दिया है 1, तो इसके आगे एक बढ़ा देंगे 2, तो 2 एकम में 2, 225। ऐसे ही दोस्तों हम लोग देखते हैं 35 का वर्ग देखते हैं, तो 50 25, 3 दिया है तो 3 से एक आगे बढ़ा देंगे, 4 3 12 1225। ऐसे ही 45 का हम लोग देखते हैं, 50 25, 4 दिया है तो एक आगे करके गुना करा देंगे, 5 2 का 20। इतना हम लोग का होता है। आइए दोस्तों इसे थोड़ा सा बड़े से कल देखते हैं हम लोग। जैसे कहता है 12, 125 का हम लोग को क्या करना है, वर्ग, तो 5 का वर्ग हो जाएगा हमारा 25। 12 दिया है, 12 में 13 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 12 3 36, 12 3 15, इतना हमारा। ऐसे ही दोस्तों हमको अगर कह दें कि 135 का वर्ग करना है तो हम इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 5 का वर्ग करेंगे, 50 25, ठीक, उसके बाद हम 13 दिया है तो 13 से एक आगे बढ़ाकर 14 से हम क्या करा देंगे, इसमें गुना करा देंगे, तो 13 4 52 का 2 हर्षिल 5 और 13 5 18, ये रहा मेरा ऐसा आंसर। दोस्तों इस फॉर्मूले के माध्यम से आप वैसे संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं जिसके अंत में क्या दिया हो, 5 दिया हो। ठीक दोस्तों, फिर से एक हम और सवाल पे देखते हैं, इसको सीध करके देखते हैं। जैसे हमको 145 का निकालना वर्ग निकालना, ठीक, तो सबसे पहले लास्ट वाले डिजिट का वर्ग करेंगे 50 25, और पहले वाले डिजिट में एक आगे बढ़ाकर हम क्या करा देंगे, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 15 4 60, 8 6 15 6 21, ये मेरा इतना आंसर। ऐसे ही देखते हैं 225 का हमको वर्ग करना है, तो कैसे करेंगे, 5 का वर्ग 25, 22 दिया तो 22 में 23 से हम क्या करा देंगे, एक आगे बढ़ाकर मल्टीप्लाई करा देना, तो 22 दिया 66, 8 6 6, 22 2 44, 44 में 6 जोड़ेंगे तो 44 6 50, मेरा इतना। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये ट्रिक आपको समझ में आई हो। आप इस ट्रिक के माध्यम से वैसी संख्या का आप वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं, मात्र 2 सेकेंड के अंदर आप उसका वर्ग निकाल सकते हैं जिसके अंत में 5 दिया हो। तो ऐसे ही और ट्रिकली वीडियो देखने के लिए आप लोग इस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें तथा अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस बात को रखें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें तथा और भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो स्टडी पॉइंट कोचिंग आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लग ही गया होगा।